हेलो वेलकम दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्रेंड में। तो आज हम यहाँ पे टिकटॉक और चाइनीज ऐप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में मोस्ट पॉपुलर ऐप टिकटॉक, लाइकी और भी और ऐप्स बंद कर दिए, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे शेयर चैट भी बंद कर दी गई है, वो भी मोस्ट पॉपुलर ऐप थी। और यहाँ पे हेलो ऐप भी कर दी है, जो ये भी बहुत मोस्ट पॉपुलर ऐप थी। और एक और ऐप कर दिया है ब्यूटी प्लस, और साथ में कर दिया शेयर रीट, जिससे कि हम फोटो या फिर वीडियोज़ वगैरह एक दूसरे साथ शेयर कर सकते हैं, ऐप्स भी कर सकते थे। और यहाँ पे एक ब्राउज़र भी कर दिया जो कि चाइना वालों का था, यूसी ब्राउज़र। तो मैं आपको यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ जिसके अंदर 59 ऐप हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Few moments later. तो यहाँ पे मेरे से कई लोग पूछ रहे थे कि टिकटॉक बैन हुआ है तो पबजी क्यों नहीं बैन हुई। तो उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि पबजी एक साउथ कोरियन गेम है, तो ये बंद नहीं होगी। आप इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और इस वीडियो के लाइक कीजिए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पे यूट्यूबर्स के लिए एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि टिकटॉक बंद होने के बाद जितने भी टिकटॉक है चलाते हैं वो उनके बंद होने के बाद सब यूट्यूब पे आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा व्यू आने वाले। तो अपना नया यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं तो खोल दीजिए, नया यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं तो खोल दीजिए, क्योंकि अब आपकी वीडियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यू आने वाले हैं, क्योंकि सारे टिकटॉक वाले अब यूट्यूब के ऊपर आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पूरे देखने के लिए।